हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे, आज कोई पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें नहीं होगी, हम बात करेंगे नॉर्मल एक स्टडी से रिलेटेड कि क्यों इन्वेस्टमेंट करके हम पैसा गवाते हैं या फिर कमाते हैं ट्रेडिंग करके, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। हम बातें करेंगे कि कुछ रूल्स बनाए गए हैं मार्केट में, अगर उस रूल्स के हिसाब से, जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं जैसे, तो आप सीधे लास्ट सीढ़ी पर नहीं आते, आप स्टेप बाय स्टेप पहले एक सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर आप ऊपर टॉप पे पहुँचते हैं। तो इसी तरीके से इसे क्या कहते हैं, एक रूल कहते हैं कि आपको पहले एक सीढ़ी चढ़नी है फिर दूसरी सीढ़ी चढ़नी है। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी अगर आप आ रहे हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को निभाना होता है। अगर आप उस प्रोसेस को निभाते हो देन यू कैन मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट इजीली, बट अगर आप उस प्रोसेस को नहीं फॉलो करते तो ऑब्वियसली बात है उसमें आपका लॉस होगा, और एक बार लॉस होता है ना तो आप कितनी साल पीछे चले जाते हो, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो आइए वीडियो से रिलेटेड बातें करते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अभी एक वीडियो डाली गई है, स्मॉल कैप का एक स्टॉक है, एसआईपी मोड में पैसे लगा दीजिए, धीरे धीरे करके मल्टीपल पैसे, मल्टीबैगर पैसे आपको बनते हुए दिखाई देंगे, और कंपनी आपको स्मॉल कैप से मिड कैप और लार्ज कैप में आने वाले 5 से 10 साल में दिखाई देगी। तो मेरा प्रेडिक्शन इसके ऊपर काफी ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर बात करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, फ्री क्लिक करें यहां पर, फ्री में अकाउंट ओपन होगा। और बाकी आपके आसपास में जितने भी आपके नीडी वन है, अगर आप हेल्प कर सकते हो डेफिनेटली उनकी हेल्प करिए, क्योंकि कर्म दान देना एक पुण्य का काम होता है। और आइए बात करते हैं सीधे रूल्स की। रूल्स देखिए, रूल्स बनाए गए हैं स्टॉक मार्केट में, आपने इनका नाम सुना ही होगा, वॉरेन बफे साहब। वॉरेन बफे एक ग्रेट इन्वेस्टर है, अगर बात की जाए, स्पेकुलेटर तो नहीं कहूंगा मैं इन्हें, बट हाँ, एक पहचान करना किसी भी कंपनी के बारे में तो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब बात रही गलती की, गलती स्टॉक मार्केट में हर कोई करता है, गलती इन्होंने भी करी है, गलती हम लोग भी करते हैं, बट उन गलतियों से सीखते हैं। तो अगर कुछ चीज ऐसी होती है कि ऑलरेडी बड़े बड़े लोगों ने बोला होता है, अगर हम उसे फॉलो कर लेते हैं तो हम एक गलती करने से बच जाते हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में ये एक नया चैप्टर हमने शुरू किया है, इसमें वॉरेन बफेट के जो कोट होते हैं ना, उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे और बातें करेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है, उससे मीनिंग से रिलेटेड। कोट पढ़ना आसान है, उसे समझना आसान है, बट उसके पीछे की एक फिलॉसफी होती है, उसे भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए उसी से रिलेटेड। तो देखिए, मार्केट में अगर आप नए हैं, क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने अभी आपको दिखाया भी था, यहाँ पर कि कैसे स्मॉल कैप स्टॉक है, तो इस स्टॉक ने 1 करोड़ कस्टमर 1 साल के अंदर अंदर अपने जोड़े हैं। तो मार्केट में धीरे धीरे इंडियन मार्केट में लोग आ रहे हैं, और लोग आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि स्टॉक मार्केट में काफी नए लोग आ रहे हैं, जिन्हें अगर स्टॉक इन्होंने देखा कि मार्केट किस तरीके से रैपिडली बढ़ी है, अच्छे खासे डबल हो गए, आपके शेयर ट्रिपल हो गए हैं, 5 times 10 times हो गए हैं, तो इस तरीके से आ रहे हैं और वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बट आपको एक रूल बताना चाहता हूं, जो किसने बताया, वॉरेन बफे साहब ने। तो वॉरेन बफे साहब ने एक रूल बताया, नेवर लूज मनी, एंड नंबर 2 रूल है, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। मतलब कभी भी अगर आप आ रहे हो तो अपना कोशिश करो कि आप अपना जो पैसा है उसे लूज मत करो। और दूसरा रूल उन्होंने ये बताया कि पहले रूल को कभी भी भूलो मत। तो इसका मतलब क्या है, नेवर लूज मनी, तो उसको बताना चाहता हूँ। आप मार्केट में आते हैं ना तो आप पैसों को बिल्कुल भी गवाए नहीं, आप पैसा नहीं अर्न कर रहे। इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम एनी बिजनेस, कोई इशू नहीं है, कोई आपका घाटा नहीं होगा, आपका थोड़ा बहुत टाइम चला जाएगा, बल्कि आपकी लर्निंग बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। बट अगर आप एक बार पैसा खो देते हैं ना, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है उससे रिलेटेड। देखिए, आप अपने पैसे डबल करने के लिए कितना टाइम देते हैं, आप अपना अगर बात की जाए, अगर आप 10% एवरेज के हिसाब से आप पैसा कमाते हैं, यहाँ पर मैं आपको स्टडी बता रहा हूँ, तो आपको कितने रुपए कितना टाइम लगता है, 7.2 ईयर। अगर मोटा मोटी पकड़े 7.2 ईयर, बट अगर मैं अब बात कर लेता हूँ कि ये एक निफ्टी का आइडिया होगा कि निफ्टी 10 से 11% 12% का रिटर्न देती है, बट अगर हम बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की, अगर जैसे कि मैं बात करूँ HDFC बैंक आपको 20 से 25% के हिसाब से पिछले 20 साल से रिटर्न देता है। अगर यहाँ पर 20 साल भी पकड़ लेते हैं तो लगभग हम यहाँ से पकड़ सकते हैं कि 4 साल
कि आपका पैसा 4 साल में डबल हो सकता है मैक्सिमम मान लेते हैं, ठीक है। अलग अलग लोग होते हैं, वो कोई 30% भी कमाता है, कोई 40 भी, कोई 50 भी, बट एक एवरेज पकड़ लेते हैं कि 20% के हिसाब से लोग पैसा कमाते हैं, और 20% के हिसाब से जब पैसा कमाते हैं तो उन्हें 4 साल लग जाते हैं। ओके, 20% से जब कंपाउंडिंग होगी धीरे धीरे, तो एक 4 साल का एवरेज निकल के आता है कि 4 साल। बट अगर आप इस रूल को नहीं मानते, ठीक है, कि अगर आपने पैसा गवा दिया, आप मार्केट में 10,000 रुपये ले गया है, ओके, एंड आपने आपने ये रूल नहीं माना और नेवर लूज मनी, तो आपने आपका पैसा अगर कम हो जाता है, मतलब 10,000 इन्वेस्ट किया, 5,000 रह जाता है, तो आप कितने साल पीछे हो गए, समझ रहे हो? अगर आप कितने साल पीछे हो गए, आप हो गए 4 साल पीछे। ओके, उस 5,000 को 10,000 करने में कितना टाइम लगेगा? आपको फिर दोबारा 4 साल लगेगा, तो आपका जो 4 साल पहले जो मनी थी उसे ही कवर करने में 4 साल लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप डबल करोगे, फिर उसमें 4 साल लगेगा, तो आप पीछे होते जाएंगे। टाइम की भी वैल्यू स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि टाइम के हिसाब से ही कंपाउंडिंग, क्योंकि आप अगर बात करें वॉरेन बफेट साहब की, इन्होंने अपना पैसा जो सबसे ज्यादा कमाया है ना 40 और 50 साल की एज के बाद कमाया है। अगर आप सोच रहे सीधे मार्केट में आए, ओके, और एक दिन में 1 मिलियन, दूसरे दिन 2 मिलियन, उसके बाद 3 मिलियन, ऐसे है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, इन्होंने अपना फर्स्ट मिलियन भी आई थिंक 31 या 32 इयर्स की एज में, ओके, इन्होंने अपना 1 मिलियन कमाया था। उसके बाद धीरे धीरे आज की डेट में अगर बात की जाए 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा इन्होंने पैसा कमाया है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो नंबर वन रूल है कि नेवर लूज मनी, दूसरा रूल है नेवर फॉरगेट द रूल नंबर वन। तो आपको पैसा गंवाना नहीं है, अगर आप पैसा गंवा रहे हो तो आप समझिएगा आप 4 साल पीछे हो रहे हो, ओके, और 4 साल अगर आप पीछे हो रहे हो तो आपको फिर वो पैसा इकट्ठा करने में, क्योंकि देखिए एक बार क्या होता है, 4 साल में पैसा आप आधा पैसा गवा देते हो ना, फिर उसे कवर करने के लिए आप सोच रहे ट्रेडिंग करें, और ट्रेडिंग एक जुआ है। अगर बात करें वॉरेन बफेट साहब की, आज तक उन्होंने ट्रेडिंग नहीं करी, ओके, बट राकेश झुनझुनवाला करते हैं। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, यू कैन गो अहेड, ओके, थोड़े थोड़े पैसे के साथ, बट अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप वो इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ना एक ऐसी चीज है इन्वेस्टमेंट जो आपके पैसे को, तो कि मल्टी कंपाउंडिंग तो करेगा ही करेगा, आपके पैसों को बहुत ज्यादा बढ़ा के भी देगा। अगर यहाँ पर हम बात करें, एक वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है, खोने कुछ नहीं पाने को जहान, तो इस तरीके से मतलब बात करें 1 लाख का निवेश 8,000 करोड़ का सफर, तो इसमें अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई थी। अगर आप वीडियो को देखोगे तो आप यहाँ पर समझोगे कि आपको कुछ नहीं कम करना, धीरे धीरे करना, और ये कंपाउंडिंग किस तरीके से होगी ना, कंपाउंडिंग मंथली, अगर आपकी कंपाउंडिंग होगी ना, तो आप लास्ट में जाके जब इस वीडियो में जाके देखेंगे तो यहाँ पर कितना 1200 करोड़ होते हैं टैक्स वगैरह देने के बाद, सब कुछ 8 करोड़ रुपए आप इजीली, सॉरी 800 करोड़ रुपए आप इजीली कमा सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और मैं 800 की भी बात नहीं कर रहा, अगर आप इसका आधा भी कमा लेते हो और उसके आधा भी कमा लेते हो, ओके, 1/4 पार्ट भी कमा लेते हो, आपकी लाइफ लग्जीरियस बन जाएगी। तो हमेशा पहला रूल याद रखो, आपको स्टॉक मार्केट में आप नहीं कमा रहे कोई इशू नहीं है, ओके, आपको 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, तो आप जल्दबाजी के पीछे मत पड़िए, ओके, हरी तो किसी भी चीज में आपको बेकार ही रहती है। तो पहले आपको पैसा बचाना सीखना है, ओके, आपको लूज नहीं करनी मनी, और दूसरा फिर धीरे 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 आपको सीखना है, और सीखते सीखते आप पैसा लगाओ। ऐसा ही आप नए आए हो मार्केट में, SIP मोड पे पैसा लगाओ, 1 साल 1.5 साल के अंदर मार्केट में स्टडी कर लो, और अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं ये पैसे भी लगा लेता, वो पैसे लगा देता, मैं ये डबल कर लेता, ये डबल हो जाता, तो आप इस चीज को नेगेटिव, आपको वो जो चला गया उसे माइंड से निकालो, और जो आने वाला है ना, क्योंकि मार्केट सबको अपॉर्चुनिटी देती है, इस बात को थोड़ा सा याद रखो। अगर हम बात करें वॉरेन बफेट साहब की, तो वॉरेन बफेट साहब ने भी यहाँ पर पैसे गवाए हैं, ऐसी बात नहीं है कि वॉरेन बफेट साहब ने सीधे पैसा ही पैसा कमा लिया है, मल्टीबैगर बन गया है इस तरीके से, तो ऐसा कुछ नहीं है। वॉरेन बफेट साहब ने भी काफी पैसा यहाँ पर गवाया है, और 2000 इसलिए उन्होंने ही ये जो कोट है ना, अच्छे अच्छे कोट बनाया है कि नेवर लूज मनी और नेवर फॉरगेट द रूल नंबर वन, तो इसको हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट टाइम भी इसी तरीके का एक कोट लेके आएंगे और उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आई तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।